अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब की, और ये टैब सीरीज का मॉडल है A8। और मैं इस टैब को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसके साथ जो स्टाइलस है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके साथ ऑफिशियली तो नहीं आती पाकिस्तान में, बेसिकली ये टैब जो है वो लॉन्च ही नहीं हुई, अनऑफिशियली तौर पे हमारे पास जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो टैब आई है। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसका रिव्यू जो है वो आपके साथ अपना शेयर करूँ, इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टाइलस के यूज़ को। और वैसे भी तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो अब टैब को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो एक से एक बढ़ के अच्छी टैब जो है वो चाहते हैं कि उनको मिले और उस पर वो बहुत ज़्यादा जो वो वर्क कर सकें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी होती है और यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन के साथ साथ आपको स्टाइलस यानी कि उसके पेन की ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि इससे पहले सैमसंग के कुछ फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती थी जो कि नोट सीरीज़ के अंदर आते थे। तो यहाँ पर स्टाइलस जो है वो आपको सेपरेट परचेज़ करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ उसकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट एमोलेड लेवल का जो वो पैनल लगाया गया है, तो इस वजह से स्टाइलस का जो यूज़ है वो इसके साथ बहुत अच्छा है। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्स की। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बाबा जी मोबाइल सेंटर डस्का वालों ने, और ये टैब उन्हीं के पास से आई है। इसके अलावा उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है वो टैब्स के अंदर, फ़ोन्स के अंदर, आप मोबाइल से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज तक, और इसके अलावा जो दीगर गैजेट हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा उनके पेज का, वहाँ पे जाके आप इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देख सकते हैं। इसके अलावा कॉल पर रब्ता करके जो चीज़ आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें वो भी मंगवा सकते हैं। ये टैब जो वो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई, तो यहाँ पर मेरे पास जो वेरियंट मौजूद है वो बेसिकली वाईफाई वेरियंट मौजूद है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये टैब सीरीज़ जो है A8 ये पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं हुई, तो इसलिए ये हमें टैब जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि इसका जो बॉक्स है उसके अंदर हमें एक जो है वो इनवेलप देखने को मिल जाता है, जो कि लूज़ पैकिंग के अंदर आता है। इसमें हमें अपनी खूबसूरत सी जो टैब है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो है वो हमें बॉक्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ एक्सेसरीज लाइक देखने को नहीं मिलती। चार्जर इसके साथ नहीं आता, जो ऑफिशियल टैब भी आती है जो कि ग्लोबली वर्जन के साथ आती है, वहाँ पर भी हमें इसके साथ जो है वो डाटा केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी की सपोर्ट के साथ आती है। इसके अलावा इसके अंदर दीगर एक्सेसरीज जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पर और टैब को जो है वो फाइनली हम टर्न ऑन कर लेते हैं। और जब तक ये टैब टर्न ऑन हो रही है, मैं आपको बताता चलूं कि ये सैमसंग की A सीरीज़ की वो टैब है जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे कि ये टैब जो है वो धूम मचा देगी हर लिहाज से, लेकिन इसमें चिपसेट और बाकी जो चीज़ें हैं वो आम तौर पर मेरे हिसाब से थोड़ा नॉर्मली लगाई गई हैं, जो एक टैब के तौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई मज़बूत टैब आने वाली है, कोई अच्छी टैब आने वाली है, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी एक्स्ट्रा रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। टैब जो है हमारी फाइनली टर्न ऑन हो चुकी है, इसको सेटअप कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमारी जो टैब है वो सेटअप हो चुकी है, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर वर्जन को, कि सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें बेसिकली कौन सा आता है। सेटिंग में जाएंगे मेन्यू ओपन करने के बाद, और यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है उसको डाउन करते हुए यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी टैब्स के अंदर जो है वो आपको दो पोर्शन लाजमी से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके अबाउट फोन में जाते हैं, और यहाँ पे हम इसका मॉडल देखने को मिल जाता है, गैलेक्सी टैब A8। इसके अलावा इसका सीरियल नंबर मिल जाता है, इसका मॉडल नंबर X200 है। बेसिकली ये जो है टैब वो GSM और नॉन GSM यानी कि सिम और विदाउट सिम जो है वो मुतारफ करवाई गई है। इसके ग्लोबली वर्जन दोनों ऑप्शन के साथ जो है वो मुतारफ करवाए गए हैं, यानी कि इसके जो ग्लोबली वर्जन है वो दोनों ऑप्शन के साथ जो है वो मुतारफ करवाए गए हैं। और यहाँ सॉफ्टवेयर में हमें जो है इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन बेसिकली इसमें 11 रखा गया है। इसके अलावा 3.1 के साथ इसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग का वो वर्क करता है, जो कि इसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसके साइज़ की, तो ये बेसिकली साइज़ जो है वो 10 इंचज आता है। ये आपको 10 इंच के लार्ज डिस्प्ले के साथ जो है वो देखने को मिलती है। वेट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका वेट जो है वो 225 यानी कि 225 ग्राम जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले हमें जो है यहाँ पे IPS देखने को मिल जाता है, लेकिन IPS डिस्प्ले होने के बावजूद भी ये जो LCD है ये आपको काफ़ी अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, यानी कि ये बेसिकली पैनल IPS है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो IPS पैनल से काफ़ी बेहतर है। यानी कि लाइक आप अगर फर्स्ट यूज़र हैं टैब के ऊपर, तो आपको ये AMOLED वाली फील जो है वो देता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में हमें इसमें
दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक 464 के साथ आता है, एक 3/32 के साथ आता है। इस वक्त जो मेरे पास वेरियंट मौजूद है ये 3/32 है। यहाँ पे आपको 3 GB रैम देखने को मिल जाती है, इसके अलावा 32 GB जो इसकी मेमोरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम डिज़ाइन की। तो प्रीमियम डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि अपर साइड पे आपको जो है वो एक माइक देखने को मिल जाता है, इसके अलावा पावर बटन वॉल्यूम बटन जो है वो दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं अपर साइड पे। इसके अलावा इसके जो कॉर्नर है उनको कर्व रखा गया है। यहाँ पे भी आपको माइक देखने को मिल जाता है जो कि मल्टीमीडिया के यूज़ में रहता है, जबकि दूसरा जो माइक है वो आपका सिम को सपोर्ट करता है। बॉटम साइड पे जो है वो आपको एक सिम गेट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको भी इंजेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सिम किस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पे इस साइड पे आपको दो स्पीकर्स और इसके अलावा टाइप सी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और टाइप सी की सपोर्ट के बाद यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो देखने आपको मिल जाता है। इस टैब के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे भी हमें स्पीकर देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा इस साइड पे भी हमें स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बेसिकली इसमें 4 स्पीकर जो है वो वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 2 माइक जो है इसके अंदर जो है वो रखे गए हैं। बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी जो है वो इसकी बड़ी कमाल की रखी गई है, यानी कि ये स्क्रैचलेस बॉडी है, स्टेनलेस स्टील की इसकी बॉडी आती है। इसके अलावा इसमें एक पावरफुल चिपसेट लगाया गया है। और अगर हार्डवेयर के अंदर इसके प्रोसेसर की हम बात करते हैं चिपसेट के बाद, तो प्रोसेसर इसमें बेसिकली 2.0 ऑक्टाकोर लगाया गया है। इसके अलावा इसकी बैटरी जो है वो बड़ी कमाल की रखी गई है, यानी कि इसमें बैटरी जो है वो काफ़ी बड़ी आती है जो कि 7000 mAh की आती है। इसके अलावा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है लॉक स्क्रीन, और लॉक स्क्रीन के अंदर हमें पिन पैटर्न और पासवर्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें फेस रिकॉग्नाइज्ड यानी कि फेस लॉक जो है वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिंगर सेंसर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की कि कनेक्टिविटी में हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें वाईफाई है और इसके अलावा ब्लूटूथ है। वाईफाई इसमें ड्यूल बैंड आता है 802 के साथ। इसके अलावा ब्लूटूथ जो है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी रेंज वाला IC जो है वो लगाया गया है, जो कि आपको 5.0 के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की, तो कैमरा यहाँ पे सिंगल एक ही लगाया गया है जो कि 8 MP का है। इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये वाला कैमरा जो है वो सूट नहीं करता, लेकिन बेसिकली अगर आप कैमरे के हवाले से इस टैब को देख रहे हैं, तो ये टैब जो है वो कैमरे के हवाले से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि इसका कैमरे का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें 8 MP का कैमरा लगाया गया है जो कि एक आम नॉर्मल फ़ोन के सैमसंग के आता है। फ्रंट कैमरा जो है वो इसमें 5 MP का रखा गया है। तो कैमरा रिजल्ट को जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बैक कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक पिक्चर जो है वो कैप्चर करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इसके अलावा इसके मूड जो है वो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मूड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कैमरे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कैमरे का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी की है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है उसका रिजल्ट भी आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे शायद वो आपको ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा हो क्योंकि ये जो है वो नेचुरल लाइट के अंदर नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर है। अगर आप डे लाइट में इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको कुछ बेहतर जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो कुछ बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे इसके मूड्स जो हैं उनको देख लेते हैं। बैक कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि सिंगल लेंस के अंदर काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा वीडियो की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, और मोर के अंदर जो है वो आपको प्रो पैनोरामा फूड और हाइपरलैप्स जो है उनकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी जो है वो इसमें 7000 mAh की आती है, जो कि काफ़ी पावरफुल बैटरी है, और इसमें लिथियम बैटरी आती है, यानी कि इसमें जो बैटरी है वो उसको बिल्कुल फिक्स रखा गया है। तो इसके अलावा ये जो टैब है ये टाइप सी की सपोर्ट के साथ 15 वाट की जो चार्जिंग है उसको सपोर्ट करती है। जी तो जनाब, ये थी इस गैलेक्सी टैब A8 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आपकी इस टैब के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।